आप सभी को राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज द केरला स्टोरी देखने के बाद मन में बहुत खेद है, बहुत दुखी महसूस हो रहा है कि हमारी बहन बेटियों के साथ कितना बुरा हुआ है और प्रेजेंट में भी हो रहा है। कहीं ना कहीं इन सब के जिम्मेदार हम सब भी हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं बताते हैं। उनको अपनी पूजा पद्धति, अपने धर्म शास्त्र, वेद और पुराणों के बारे में न बताकर हम उनको अज्ञानता में रखते हैं। उस सब के जिम्मेदार भी हम सभी हैं, लेकिन उसका कारण एक ये भी है, हम अपने बच्चों को जानकारी तभी दे पाएंगे जब हम उसके बारे में पहले से जानें। हम खुद जानेंगे तभी हम उनको बता भी पाएंगे। इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज एक ऐसी संस्था इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो भारत में नहीं देश विदेश में सनातन धर्म का परचम लहरा रही है, वो आज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से यूथ को अपने सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। उनको अपने देवी देवताओं और पूजा पद्धति के बारे में डिटेल वे में वो अपने वेद और शास्त्रों को प्रमाण के द्वारा बताते हैं। उनका ऑथेंटिक आंसर जिस भी प्रश्न का आपको चाहिए, अपने शास्त्रों से जुड़े हुए या भगवान से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आप करते हैं, उनका एक ऑथेंटिक आंसर आपको इस्कॉन में मिल जाता है। हालांकि मैं तो ये चाहता हूँ कि इस्कॉन से जुड़े हुए जो लोग हैं केवल इस्कॉन तक ही सीमित ना रहें, अपने आसपास के जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर जाएँ, हो सके तो वहाँ पर आने वाले लोगों को क्लासेज कराएं, ऑफलाइन उनको बताएं और समझाएं सनातन धर्म के बारे में। क्योंकि मंदिर तक जाना आजकल केवल इतना ही सीमित रह गया है, भजन कीर्तन मैक्सिमम वहाँ पर आरती का आयोजन किया जाता है और प्रसाद लेकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर आप अपने धर्म के बारे में जानेंगे नहीं तो आपको कोई भी आकर बहका सकता है, आपको कहीं भी लेके जा सकता है। अपने धर्म का धर्मांतरण करने का सबसे ज़्यादा आसान काम यही है कि अगर आप अपने धर्म के बारे में जान नहीं रहे हैं तो आपको कुछ भी उल्टा सीधा बता के अपने धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन आपके पास जब ऑथेंटिक आंसर रहेगा हर एक प्रश्न का, अपने धर्म के खिलाफ उठने वाले हर एक प्रश्न का जवाब आपके पास रहेगा, तब आपका अपने धर्म पर दृढ़ विश्वास रहेगा, तो आपका चांस बहुत कम रहेगा कि आप किसी के बहकावे में आ सकें। तो अभी हमारे जो युवा और बच्चे हैं या बच्चियां हैं, अपने धर्म को जानें और कोई उन्हें भ्रमित न कर सकें, इसलिए आप अपने धर्म पर उंगली उठाने वालों को जवाब दे पाएँ, इसलिए आप ऑनलाइन आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सर्च कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए और इस्कॉन जो क्लासेस कराता है ऑफलाइन और ऑनलाइन, उसको ज्वाइन करें ताकि आपको जानकारी मिल पाए। जो युवा पहले से ही भक्ति में रत हैं, किसी गुरु के माध्यम से जो पहले से ही भक्ति कर रहे हैं, उन पर भगवान की असीम कृपा है। लेकिन आज के युग में चूँकि ये कलयुग है, तो यहाँ पर जो युवा हैं उसको मॉडर्न तरीके समझाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस्कॉन जो है मॉडर्न तरीके से लोगों को समझाते हैं, उनको समझ में जल्दी आ जाता है। इसलिए जो लोग भक्ति पहले से ही कर रहे हैं वो भी कोशिश करें कि अपना आसपास के लोगों को शिक्षा दें धर्म के बारे में, ताकि सभी लोगों को अपने धर्म के बारे में सटीक जानकारी मिले। हम सभी को एक योद्धा बनना पड़ेगा, अपना धर्म योद्धा, यह हम सभी का धर्म भी है और कर्तव्य भी। जय जय श्री राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।